आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जहां हम देश की राजनीति को कैसे बेहतर बना जाए इस पर बात करते हैं। इसी क्रम में आज नोएडा विधानसभा के भावी प्रत्याशी कांग्रेस से दिनेश अवाना जी मौजूद हैं। आज उनसे जानेंगे कि मौजूदा राजनीति में किन किन स्तर पर और कहां कहां बदलाव चाहते हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है, उसमें कुछ समस्याओं का सामना किया होगा। उस स्तर पर जिन समस्याओं का सामना किया है उनको आप कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कि इजी टू यूज हो जाए, जैसे आपकी आने वाली पीढ़ी भी चुनाव लड़ेगी या कोई भी एक आम जनमानस से लेकर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था उसे लेकर क्या क्या समाधान बेहतर हो सकते हैं। मैं 2004-05 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा डिग्री कॉलेज, तो मुझे उसी टाइम से ऐसा महसूस हुआ कि लोग स्टूडेंट पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बेहतर सुविधाएं नहीं है। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कहीं इस तरीके के कोई भी संसाधन थे। तो मुझे उसी टाइम से ये लग रहा है कि हम लोग युवाओं के लिए कुछ करें, नौजवानों के लिए कुछ करें, स्टूडेंट के लिए कुछ करें, क्योंकि जब तक हमारा स्टूडेंट खुशी नहीं होगा, जब तक वो पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक देश का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो युवाओं को लेके आप क्या प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं जिससे युवाओं को कम मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके? लेकिन युवाओं की सबसे बड़ी समस्या नोएडा शहर के अंदर ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ एजुकेशन का हब है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के बच्चों को वहाँ उन स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूटों में प्रवेश नहीं मिलता है। तो जिस कारण युवा स्टूडेंट ये साथी जो बहुत बड़ी एक देश को बनाने की जो नींव होती है, ये जब शिक्षा और रोजगार से वंचित हो जाएंगे तो देश उन्नति और विकास नहीं कर सकता है। देश अपनी जो जिस आधार पर देश को आज़ादी मिली है वो जब तक कामयाब नहीं होगी जब तक हमारे स्टूडेंट और युवा साथी पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो आपने चलो अपने विधानसभा के छात्र और युवाओं की बात करी, एक विधानसभा प्रत्याशी भावी होने के नाते आपने एक अपने विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का रिव्यू किया होगा कि मौजूदा समय में क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, नोएडा शहर के अंदर आप देखिए, एजुकेशन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, बिजली की समस्या है, नाड़ियों की समस्या है। आप देखिए कि आज डेंगू की बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है। आखिरकार डेंगू की बीमारी कहाँ से आई? गंदगी हुई, गंदगी पनपी, मच्छर पनपे वहां से, तभी तो ये डेंगू की बीमारी आई है। उसके लिए कोई भी सरकार ने, नोएडा प्राधिकरण ने कोई बहुत ज्यादा उपाय नहीं किए हैं, जिस कारण डेंगू से यहाँ पर बहुत लोगों की मौत हुई है। तो सबसे बड़ी समस्याएं तो ये हैं। बिजली की आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था को आप देख लीजिए, बिल्कुल तार तार है। आज महिला पुरुष बच्चे और महिला बहन बेटी तो आज बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। वो घर शाम के टाइम तो घर से निकलना भी उनको डर लगता है। लेकिन आज की जो सरकार है वो भय को खत्म नहीं कर पाई है, लोगों के मन में और भय पैदा हुआ है इस चीज को लेकर। तो इस विधानसभा क्षेत्र में आपके कहने के अनुसार बढ़ोतरी हुई है क्राइम? आप देखिए कि छात्राएं पढ़ने के लिए जा रही हैं, उनका अपहरण हो जाता है। आप देख लीजिए कि छात्राएं एग्जाम दे करके घर लौट रही है तो उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं। अब जैसे इन मामलों में आपने जो समस्याएं उठाई हैं या अपने रिव्यू किया है आपने दौरा करके, इनको प्रोग्रेसिव करके कैसे रिजोल्व करवाएंगे आप? कि हम लोगों के बीच में जा जाकर वहाँ की समस्याएं सुन रहे हैं, वहाँ की समस्याओं का हम लिख रहे हैं, कहाँ की, किस एरिया की, किस बूथ की, किस कोने की क्या समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम नोट कर रहे हैं। उससे जो संबंधित अधिकारी है, उससे संबंधित अधिकारी के पास हम लोग जा रहे हैं, मांग पत्र लेकर जा रहे हैं, ज्ञापन लेकर जा रहे हैं और अपनी तरफ से लिखित में उन लोगों को दे रहे हैं। प्रियंका जी लोगों से मिलना चाहती हैं, लोगों के पास जाना चाहती हैं, उनका दुख दर्द बांटना चाहती है, उनको रोक दिया जाता है, बदतमीजी होती है, शासन प्रशासन दबाव में है, किसके दबाव में है, सरकार के दबाव में है, और अधिकारी इस तरीके से धक्का मुक्की करते हैं कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र में ये बिल्कुल निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। इस देश की जो आज़ादी हुई है, महात्मा गांधी जी ने ये सपना नहीं देखा था कि हमारे जो प्रतिनिधि है या हमारे जो लोग जनता के हमदर्द हैं, वो जनता की सुनने के लिए जाते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए जाते हैं,
उनको धक्का मुक्की की जाती है, उनको रोका जाता है, उनको दो दो तीन तीन दिन हिरासत में रखा जाता है। ये कभी गांधी जी ने इस चीजों की कल्पना भी नहीं की होगी। आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरीके से संविधान को बनाया है, उस संविधान में इन चीजों का कहीं कोई आधार नहीं है कि आप किसी के दुख दर्द में जाकर के शामिल ना हो। अब जैसे कांग्रेस का जो बदलाव हुआ था, एक अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना ने आंदोलन किया था, तो आपका भ्रष्टाचार पर मौजूदा स्थिति में क्या कहना है? सरकार को गिराने के लिए करे गए, देश को भ्रमित किया गया, जबकि उसमें आपने देखा कि कोर्ट ने भी और जो उस कमेटी की जो जांच कर रहे थे उन्होंने कहा है कि कहीं एक रुपए का भी कहीं गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल 100% फेयर था, कोई भ्रष्टाचार नहीं था पिछली सरकार में। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके लिए कानून है, वो दोषी साबित हुए वो जेल गए, किसी और ने भी अगर किया है तो वो भी जाएगा और गए हैं। जैसे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे, जो भी आपने, क्योंकि किसी न किसी स्तर पर तो भ्रष्टाचार अभी भी हो सकता है, पहले भी हो सकता था, लेकिन उसको प्रोग्रेसिव करके कैसे हम सही कर सकते हैं जिससे पब्लिक को, नेता, सभी वर्ग जो देश में आम जनमानस रहता है, उसको रिलीफ मिल सके। देखिए मैं कहता हूँ कि नेता लोग, आज राजनीति दूसरी तरह की हो गई है कि वहां पर लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था कि स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए राजनीति हो, लोग अपने घरों से चंदा लेकर के दे करके राजनीति करते थे। आज क्या है कि आप एक बार सत्ता में आ जाएं तो आप लुटाई मचा देते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने घर को रईस और अमीर बनाने के लिए। इस तरीके की राजनीति में कोई जगह नहीं है। राजनीति समाज सेवा के लिए है, लोगों की सेवा के लिए है, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी जितनी हम मदद कर सकते हैं, अपने नौजवान के लिए क्या कर सकते हैं। सरकार संसद में और विधानसभाओं में बैठ करके वो लूट मचाई का जो काम चल रहा है वो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे ना बर्दाश्त है, ना हमारे संविधान में, ना हमारे लोकतंत्र में। जैसे आप भविष्य में आपकी टिकट फाइनल हो जाती है और आप विधायक बन जाती हैं, हमारी तो आपको शुभकामनाएं कि आप टिकट भी फाइनल हो और आप विधायक बन के विधानसभा जनता आपको भेजे, तो आपकी प्रथम पांच क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो विधानसभा में आप उठाएंगे? देखिए हम युवाओं के एजुकेशन और रोजगार की बातों को सबसे पहली प्राथमिकता देंगे। यहाँ के जो किसान हैं, किसानों की जो समस्या है उनके निवारण के लिए देंगे। यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं जिनके पास मकान दुकान नहीं है उनको रोजगार और उनको अलॉटमेंट इस तरीके की योजनाएं बना बना कर देंगे कि वो कम से कम सबका अपना एक घर और एक रोजगार हो। इन चीज़ों पर हम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी। कानून व्यवस्था सुधारने पर हम लोगों का पूरा रहेगा और हम पूरी तरीके से जनता की आवाज़ को सुन करके उनके उनके साथ किसी भी प्रकार का हनन नहीं होने देंगे। सबसे पहली आवाज़ को हम ये उठाएंगे और उठाने के साथ में हम लोग ये दिखाएंगे कि हम काम बोलते जो हैं वो कर सकते हैं। ये हमने आपसे पूर्व में काम किए भी हैं और आगे भी हम लोग करें। आंदोलन से कितना सहमत है? देखिए जो आज़ादी के बाद में पहला किसान आंदोलन है जो इतना लंबा आंदोलन चला है, उस टाइम पे भी आंदोलन होते रहेंगे लेकिन सरकारें गंभीर रही हैं। सरकारों ने कभी किसानों की कोई भी समस्या हुई है तो उसके समाधान के लिए लोग आगे आगे आकर के काम किए हैं, खत्म हो गए। आज क्या है कि लोग दिल्ली मिलने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वार पे जा रहे हैं, उनको रोक दिया गया है, बॉर्डरों पे रोक दिया गया है, भूखे प्यासे सर्दी गर्मी सबड़े मौसमों में किस तरीके से किसान आज वहां पर बैठा हुआ है।